हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फोटेक इंडिया। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार प्रोसेसर का कंपैरिजन, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है, जिसमें शामिल है मीडियाटेक का हीलियो P90, स्नैपड्रैगन का 675, ग्रीन का 710 और सैमसंग एक्जिनोस 9610। दोस्तों ये जो सैमसंग एक्जिनोस 9610 है, ये आपको 7 सीरीज के अंदर आता है सैमसंग के एक्जिनोस में। सो गाइस करते हैं इन चारों का कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर कहाँ स्टैंड करता है, कौन सा प्रोसेसर कितना पावरफुल है, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे, बेंचमार्क स्कोर भी देखेंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेट अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अनाउंस किया गया था किरीन 710, जो कि आपको 19 जुलाई 2018 को अनाउंस किया गया था। और सबसे लेटेस्ट अनाउंसमेंट की गई है वो है मीडियाटेक का हीलियो P90, जो कि आपको 13 दिसंबर 2018 में अनाउंस किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं सीपीयू टाइप की, तो जो मीडियाटेक का हीलियो P90 है, ये कोर्टेक्स A75 एंड कोर्टेक्स A55 बेस्ड है। वहीं जो किरीन 710 है और जो सैमसंग एक्जिनोस 9610 है, ये आपको कोर्टेक्स A73 एंड कोर्टेक्स A53 बेस्ड है। सबसे अच्छी बात यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 675 के साथ है, जो कि आपको क्रायो 460 सीपीयू के साथ आता है, जो कि बेस्ड है आपको कोर्टेक्स A76 एंड कोर्टेक्स A56 बेस्ड। तो थोड़ा सा यहाँ आपको एडवांटेज मिल जाता है मीडियाटेक के हीलियो P90 के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 675 के साथ। नंबर ऑफ कोर्स की बात करें तो सभी प्रोसेसर में आपको 8 कोर्स दिए गए हैं। सीपीयू की क्लॉक स्पीड की बात करें तो जो मीडियाटेक का हीलियो P90 है और जो स्नैपड्रैगन का 675 है, इसके दो कोर जो ऊपर वाले कोर है वो आपको परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं, और जो नीचे के 6 कोर है वो आपको एफिशिएंसी के लिए हैं। उसी तरह आपको जो किरीन है और जो सैमसंग एक्जिनोस है, यहाँ आपको चार चार का डिवीजन किया गया है। चार ऊपर वाले जो कोर है, जो कोर्टेक्स A73 बेस्ड है, वो आपको परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं, और कोर्टेक्स A53 वाले चार को आपको यहाँ पे इफिशियंसी के लिए दिए गए हैं। सीपीयू की फैब्रिकेशन की बात करें तो सैमसंग एक्जिनोस आपको 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आपको जो स्नैपड्रैगन 675 है, ये आपको 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, और जो किरीन 710 है और जो मीडियाटेक का हेलियो P90 है, ये आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। अब दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा कम नैनोमीटर पर बना होगा प्रोसेसर, उतना ही कम पावर कंज्यूम करेगा, जिससे कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको और अच्छी निकल के आएगी। मेमोरी टाइप की बात करें तो सभी में आपको LPDDR4 वाला RAM मिल जाता है। जो सैमसंग एक्जिनोस है, यहाँ आपको 4 चैनल LPDDR4X वाला RAM मिलता है, और जो बाकी सभी में आपको 2 चैनल LPDDR4 वाला RAM मिलता है, 4X एंड 4 वाला RAM मिलता है। अब 4X एंड 4 में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। जो 4X होगा वो आपको थोड़ा इफिशियंट होगा एज़ कम्पेयर टू 4 वाले RAM से, बस यही अंतर है और इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बाकी जो रैम की स्पीड है वो बरकरार रहती है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है जो मैक्स मेमोरी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे सभी में आपको 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक का स्पीड मिलता है रैम के लिए, लेकिन जो सैमसंग एक्जिनोस है 9610 है, यहाँ आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट रैम सपोर्ट है, यानी कि जब कंपनी लगाएगी वो इतना सपोर्ट कर पाएगा रैम फ्रीक्वेंसी। और मैक्स मेमोरी साइज़, यानी कि कितना रैम मेमोरी को वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो सैमसंग एक्जिनोस जो किरीन है, ये लगभग मैक्सिमम 6 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। वही जो मीडियाटेक का हेलियो P90 है और जो स्नैपड्रैगन 675 है, ये मैक्सिमम 8 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं GPU को, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को, तो आपने देखा होगा कि जो मीडियाटेक का हेलियो P90 है, ये अक्सर आपको माली के GPU के साथ आता है, लेकिन इस बार मीडियाटेक ने पावर VR का GPU यूज़ किया है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 970 मेगाहर्ट्ज़। वहीं जो स्नैपड्रैगन 675 है, यहाँ आपको मिलता है एड्रीनो का 612, और हर बार की तरह इस बार भी स्नैपड्रैगन ने इसकी बेस फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, बस ये बताया है कि इसकी जो प्रीवियस जनरेशन वाला आपको एड्रीनो का जो सीरीज़ होगा 600 का, वहाँ से ये 20% स्पीड ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, 20% ज़्यादा अच्छा है स्नैपड्रैगन 675 वाला GPU। और जो किरीन 710 है, यहाँ आपको मिलता है माली का G71 MP4 वाला GPU, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 650 MHz, और जो सैमसंग एक्जिनोस है, यहाँ आपको मिलता है माली का G72 MP3 वाला GPU, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 850 MHz। वेल गाइज, GPU की परफॉर्मेंस मोबाइल को यूज़ करने समय, मोबाइल में गेम खेलने समय ही पता चलता है, लेकिन अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पे मुझे पावर VR का जो GPU है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 970 MHz है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है इन सभी के कंपैरिजन में।
वेल गाइस ये कंफर्म नहीं है कि यही ज़्यादा पावरफुल है, बट दोस्तों फिगर देखने के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पे सभी प्रोसेसर आपको फुल एचडी तक की डिस्प्ले सभी सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वाला जो रेजोल्यूशन होगा वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ये सभी के सभी प्रोसेसर। दोस्तों वीडियो प्लेबैक सपोर्ट की बात करें तो ये सभी के सभी प्रोसेसर आपको 4K वीडियो आराम से प्ले कर सकते हैं। अब इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा ISP की, तो जो ISP का फुल फॉर्म होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग की, और जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की तो ये जो प्रोसेसर है इनकी कैपेबिलिटी क्या है किसी भी इमेज को प्रोसेस करने के लिए वो यहाँ पे मेंशन की गई होती है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि जो मीडियाटेक का हीलियो P90 है ये 24+16 मेगापिक्सल का जो फोटो होगा उसे प्रोसेस कर सकता है आराम से। इवन ये आपको सिंगल 48 मेगापिक्सल का जो फोटो होगा उसे भी आराम से प्रोसेस कर सकता है। वेल गाइस अगर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 675 के 48 मेगापिक्सल स्नैपशॉट की, तो गाइस ये आपको एक तरह से मार्केटेड किया गया है इस टर्म को, क्योंकि आपको जो इसके साथ यानी कि जो Redmi Note 7 Pro है उसमें आपको मिलता है सोनी का IMX586 वाला सेंसर जो कि एक 48 मेगापिक्सल का है। तो इस चीज को देखते हुए Xiaomi ने यहां पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है कैमरा करके इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। बट दोस्तों अगर आप बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की, तो वो मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल की जो इमेज है उसे प्रोसेस कर सकता है। अब जो 48 मेगापिक्सल की स्नैपशॉट है इसका मतलब ये होता है कि आप जब इमेज लोगे तो वो इमेज प्रोसेस्ड नहीं होगी, यानी कि उसमें काफ़ी डिटेल जो होगी वो लॉस हो चुकी होगी। मे भी हो सकता है कि जो लाइटनिंग है या जो भी ऐसी कुछ है जो इमेज प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको इमेज अच्छी निकल के आती है वो आपको 48 मेगापिक्सल में वैसी देखने को नहीं मिले जो कि आपको 25 मेगापिक्सल के फोटो में मिलेगी जो कि एक प्रोसेस्ड फोटो होगी। अगर ड्यूल कैमरा सपोर्ट की बात करें तो यहाँ आपको 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है, किरीन में आपको 16+24 मेगापिक्सल का सपोर्ट है, और जो सैमसंग एक्जिनोस है यहाँ आपको 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। सिंगल की बात करें तो यहाँ आपको 24 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। सो गाइस इसके बाद अगर हम देखते हैं मैक्सिमम वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की, तो इससे हम ये पता चलता है कि ये जो प्रोसेसर हैं ये कितने मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जो मीडियाटेक का हीलियो P90 है ये आपको 4K या 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है आराम से, और जो मतलब यहाँ पे स्लो मोशन भी आपको मिल सकता है, टाइम लैप्स भी मिल सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सट्रीम वीडियो प्रोसेसिंग की, वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की, तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जो स्नैपड्रैगन 675 है ये आपको 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, फुल एचडी वाली 120 FPS की वीडियो भी आराम से रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब कैपेबिलिटी है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि क्या वो अपने फ़ोन में इस चीज़ को देती है या नहीं देती है। किरीन आपको फुल एचडी एट 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। वेल गाइस अगर आपको पता है कि ये 4K कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो प्लीज़ मेंशन करिएगा, कि क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हो वहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी आपको अधूरी हो सकती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा भी जानकारी पता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आप प्लीज़ से कमेंट में बताइएगा कि मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। जो सैमसंग एक्जिनोस 9610 है ये आपको 4K एट 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस LTE कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो DL है यानी कि उसको बोलते हैं डाउनलोड, एंड UL का मतलब होता है अपलोड। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि किस प्रोसेसर में आपको किस कैटेगरी वाला DL एंड UL मिलता है। वेल गाइस इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीक डाउनलोड एंड पीक अपलोड स्पीड की, तो जो मीडियाटेक का हीलियो P90 है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बाकी सभी प्रोसेसर की बात करें तो लगभग 600 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड मिली है और 150 Mbps तक की अपलोड स्पीड मिली है। सो गाइस ये एक लैब टेस्टेड रिजल्ट है जो कि एकदम जेन्युइन है। ड्यूल सिम LTE सपोर्ट की बात करें तो सभी प्रोसेसर आपको इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वाईफाई स्पेक्ट्रल बैंड की बात करें तो सभी में आपको 2.4 एंड 5 GHz का सपोर्ट है। वेल गाइस किरीन 710 में 5 GHz का सपोर्ट है कि नहीं है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो भाई जो किरीन 710 है ये आपको ब्लूटूथ 4.2 को सपोर्ट करता है, वहीं बाकी सभी आपको 5.0 को सपोर्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ये सभी के सभी प्रोसेसर हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आते हैं, प्लस इनमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे।
नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात करें यानी कि NFC की बात करें तो MediaTek के Helio P90 में ये बताया नहीं गया है कि ये आपको NFC सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, जबकि जो Snapdragon 675 है और जो Samsung Exynos है ये आपको NFC सपोर्ट करते हैं, और जो Kirin 710 है ये आपको NFC सपोर्ट नहीं करता है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो MediaTek का Helio P90 आपको UFS 2.1 के साथ आता है, वहीं बाकी सभी में आपको UFS 2.1 एंड eMMC 5.0 का भी सपोर्ट मिल जाता है। वेल गाइज, अगर किसी कंपनी को अपने फ़ोन की प्राइस कम करनी हो तो वो हो सकता है eMMC 5.0 वाला स्टोरेज दे दे, जो कि एक थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू UFS वाली स्टोरेज के कंपैरिजन में। और आखिरी में दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये जीक बेंचमार्क स्कोर है दोस्तों ये सभी प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 675 के बारे में, तो ये सिंगल कोर के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है स्नैपड्रैगन 675, जो कि स्कोर करता है 2267। वहीं मल्टी कोर की बात करें तो मल्टी कोर में यहाँ आपको विनर है MediaTek का Helio P90 6831 यहाँ स्कोर करता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। वेल गाइज, इस कंपैरिजन को देखने बाद आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, कौन सा प्रोसेसर आपको अच्छा लगा, अगर आप इनमें से आप कोई भी ऐसा प्रोसेसर वाला फ़ोन लेने वाले हो तो वो कौन सा फ़ोन होगा, वो कौन सा प्रोसेसर चुनोगे, ये सब आप बता सकते हो मेरे कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे चैनल पर 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।